हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो फ्रेंड्स, बीएड और डीएलएड कर रहे छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों। सीटेट एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि कंपलसरी होता है और सीटेट एग्ज़ाम के कई सारे फायदे हैं। सीटेट एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप अपने स्टेट के शिक्षक भर्ती में तो बैठ ही सकते हो, साथ ही साथ अदर स्टेट की कोई भी वैकेंसी आएगी, जैसे इस वक्त बिहार वगैरह की वैकेंसी आ रही है, तो आप हर स्टेट के वैकेंसी में आप बैठ सकते हो अगर आप सीटेट पास हो तो। सीटेट पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो सभी को मौका मिलेगा दोस्तों डीएलएड पास करने का, सॉरी सीटेट पास करने का, सीटेट एग्ज़ाम देने का। तो दोस्तों, आवेदन के लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी सूचना जारी हो रही है दोस्तों। आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखें, आपको यहाँ पर इस वीडियो में ये पता चलने वाला कि आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, बीएड वाले पेपर वन भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, बीएड वाले इस परीक्षा में बैठ सकते हैं इस बार या नहीं बैठ सकते, इसके साथ साथ कौन कौन दे सकता है नए सेशन में, जिन्होंने एडमिशन लिया है अभी बीएड और डीएलएड में इसी सत्र में एडमिशन लिया, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, परीक्षा पैटर्न में कुछ बदलाव इस बार नज़र आने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले। तो सबसे पहले सेशन को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सीटेट एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल पर प्रीवियस पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, आप जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर लेते हैं बीएड और डीएलएड को लेकर दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि बीएड और डीएलएड यहां पर इस दो डाउट है। सबसे पहले तो डाउट ये है कि सर, मैंने इसी सत्र यानी अभी 2023 में ही बीएड में या फिर डीएलएड में एडमिशन लिया है, अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर भी नहीं हुआ है, तो क्या मैं सीटेट का फॉर्म डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल आप डाल सकते हो। अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप डाल सकते हो। अपेयरिंग में आप ऑप्शन आता है फॉर्म डालने का और आप डाल दोगे, और अगर सीटेट पास भी हो जाते हो तो आपका मान्य भी होगा वो सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आपने बीएड या डीएलएड प्राइवेट में एडमिशन लिया है, किसी में भी लिया है, तो आप अभी कॉलेज भी नहीं जा रहे होगे, अभी आपका पेपर भी नज़दीक नहीं है, तो क्यों ना सीटेट का एग्ज़ाम देकर आप पहले ही टेंशन फ्री हो जाओ और सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर लो, ठीक है। तो जिन्होंने भी एडमिशन लिया है बीएड डीएलएड में इसी सत्र या पहले, सीटेट का फॉर्म डाल सकते हैं, सभी लोग एलिजिबल हैं। इसके बाद हम दूसरा डाउट क्लियर कर लेते हैं कि सर, बीएड में क्या पेपर वन और पेपर टू दोनों देने को मिलेगा या फिर सिर्फ पेपर टू? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में जहाँ तक संभावना यही है कि बीएड में बीएड वालों को सिर्फ और सिर्फ पेपर वन देने को मिल सकता है, पेपर टू देने को मिलेगा, जहाँ तक है पेपर वन देने को नहीं मिलेगा। अब ये नोटिफिकेशन जब आएगा तो इसमें इस बार क्लियर किया जाएगा कि बीएड वाले छात्र पेपर वन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए नोटिफिकेशन के बारे में बात करने का, और डीएलएड वाले पेपर वन और पेपर टू दोनों ही परीक्षा दे सकते हैं और दोनों ही पास करेंगे, दोनों ही मान होगा उनका, ठीक है। इसके साथ नोटिफिकेशन कब आएगा, आवेदन कब से शुरू होगा, इसको बताने से पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सीटेट एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी करनी होती है, ठीक है। कहीं से भी पढ़ने से नहीं पास होते हैं जब तक आप नोट्स फॉलो नहीं करोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं समझोगे, क्योंकि बाल विकास हो गया आपका, पर्यावरण अध्ययन हो गया, ये सब नए सब्जेक्ट होते हैं, आपको अच्छे से पकड़ जब तक इस पर नहीं बनाओगे तब तक आप दो तीन अटैम्प्ट ले लोगे, आप परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर पास करना है तो नोट्स फॉलो करना होगा। आप नोट्स बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, नहीं समझ में आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, फालतू बुक ले आते हैं मार्केट से, उसमें फालतू चीज़ें रहती है। तो हमारे द्वारा बहुत ही अच्छा नोट्स तैयार किया जा रहा है, जिसमें सारे टॉपिक के थ्योरी भी आपको सेट दिए जाएंगे और सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप नोट्स अगर लेना चाहते हो सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, सीटेट एग्ज़ाम का नोट्स चाहिए सर, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, सीटेट एग्ज़ाम नोट्स तैयार किया जा रहा है, पूरी जानकारी दी जाएगी, कितने का आपको मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा, कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपको नोट्स मिलेगा, सब बताया जाएगा। तो इस नंबर पे अभी कभी मैसेज डाल दो आप पहले से ही, तो जैसे ही नोट्स रेडी हो रहा है एक दो दिन के अंदर हो जाएगा, तो आपको तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो 7007647151। इस पर सभी छात्र जितने भी सीटेट एग्ज़ाम में फॉर्म भरने वाले हैं, वो लोग नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर हमें इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए सीटेट का, तो आपको सारी जानकारी वहाँ पर दे दी जाएगी। तो इस नंबर को सेव कर लेना और मैसेज कर देना, ठीक है। तो नोट्स के बारे में सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन कब आएगा दोस्तों। तो चाहे दैनिक जागरण अखबार ले लें, चाहे हम एबीपी न्यूज़ का वेबसाइट ले लें, चाहे हम अमर उजाला ले लें, सभी अखबारों में सभी न्यूज़पेपर में यही बताया जा रहा है कि सीटेट का जो दिसंबर का नोटिफिकेशन है, दिसंबर परीक्षा के लिए, वो किसी भी दिन जारी हो सकता है। जैसे यहाँ पर बताया गया अमर उजाला में, आज का पेपर है ये, पिछले साल सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक चली थी, यानी कि इस बार भी आज 31 अक्टूबर है, या तो आज आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और या तो आपका 1 नवंबर यानी कल आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो बस आज या कल में आपका सीटेट दिसंबर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 से 25 दिन मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और 20 से 25 दिन के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, बहुत कम समय मिलता है, एक महीने भी टाइम नहीं मिलता। और इसमें क्या होता है, सेंटर के लिए पहले आओ पहले पाओ, जैसे मान लो आप अपने बगल का डिस्ट्रिक्ट में पेपर देना चाहते हो, तो बगल के डिस्ट्रिक्ट जब तक सीटें फुल नहीं होगी तब तक ही मौका है, सीटें जैसे ही फुल
हो जाएगी, वहाँ पर आपको सेंटर नहीं हो मिलेगा, वो आपको दूर कहीं सेंटर मिलेगा। तो आवेदन पहले करने की कोशिश करना। सीटेट का फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके लेकर एक वीडियो मैं बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या कैसे आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप लोग सेंटर भी अपना अपने मन से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले आप फॉर्म भरोगे तब तो नोटिफिकेशन जो है सीटेट का वो आज 31 तारीख है, आज आ सकता है शाम तक, या फिर आपको गुड न्यूज़ कल भी मिल सकती है 1 नवंबर को, ठीक है। तो बस अब आपका इंतजार की घड़ी ख़त्म हुआ है और परीक्षा जो आपकी दिसंबर में होगी, यानी आपके पास मात्र 1 महीने ही बचे हैं। तो तैयारी में डट जाओ, तैयारी करना शुरू कर दो। फॉर्म तो आ ही जाएगा, फॉर्म कल से शुरू हो जाएगा या आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन आपके पास समय आज से ही स्टार्ट हो जाइए तैयारी करने के लिए। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर दो, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सीटेट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। प्रीवियस पेपर जाकर सॉल्व करवाया है, जाकर हमारे चैनल पर देखिए, प्रीवियस पेपर मैंने सॉल्व करवाया है, देखिए किस लेवल का प्रश्न आते हैं, बाल विकास वगैरह आपको समझ में आता है या नहीं आता है, तो जाकर देखो पहले, और ये आपको पता चल जाएगा प्रीवियस पेपर सॉल्व करने से कि कितना मुझे मेहनत करना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप हमारे चैनल का बेल आइकन भी ऑन कर लो, क्योंकि जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन जारी होगा आपको डिटेल वीडियो बनाकर बताया जाएगा और समझाया जाएगा बीएड वाले भर सकते हैं फॉर्म या अपेयरिंग वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोलें और तैयारी करने में लग जाओ भैया, पढ़ना शुरू कर दो, समय बहुत कम बचा। और सीटेट परीक्षा पास करना पहले अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चेंजेस की लेकर खबर आ रही है, तो सबसे पहले तो दो चेंजेस होने की खबर आ रहे हैं। पहली खबर तो ये है आपकी कि यहाँ पर इस बार हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग आपका कर दिया जाए इसमें, क्योंकि अभी तक इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो। रीज़न ये है कि अभी तक ये परीक्षा जो होती थी वो ऑनलाइन बेसिस पर होती थी, नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि जो ये परीक्षा है वो ऑफलाइन हो गई है। और दूसरा एक फैक्ट ये भी है कि एक ही दिन में पूरी परीक्षा आयोजित कराई जा रही थी, तो हो सकता है नेगेटिव मार्किंग की जाए। और दूसरी चीज़ ये खबर निकल के आ रही है कि जो परीक्षा है वो एक दिन ना होकर अब हो सकता है इस बार 2 दिन परीक्षा ही आयोजित की जाए, क्योंकि एक ही दिन में पूरे देश में एक ही दिन में परीक्षा आयोजित करना थोड़ा टफ़ टास्क होता है और थोड़ा रिस्की भी होता है। तो और ऑफलाइन है इसलिए पेपर आउट वगैरह होने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, बहुत हर जगह होता है, इसलिए हो सकता है इस बार दो दिन ये पेपर, जैसे पैट का एग्ज़ाम नहीं हो 2 दिन, इसी तरीके से हो सकता है सीटेट का भी इस बार जानकारी मिल रही है कि 2 दिन ये परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई जाए देश में, ठीक है। तो ये 2 चेंजेस हैं। अब जहाँ तक है कि 2 दिन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग अगर हो गया तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करने में दिक्कत हो सकती है बच्चों को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे बच्चे निकल जाते हैं परीक्षा से गलत अटैम्प्ट करके। तो इस बात का ध्यान रखना है, सीटेट नोटिफिकेशन आज या कल, आज शाम तक या कल सुबह तक आने वाला है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।